वेलकम बैक टू द काफोस एंड जैसा कि आपने मेरा टाइटल एंड थंबनेल देख ही लिया होगा, आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं चार गाड़ियों के बीच में, यानी कि टाटा सफारी एंड हैरियर 2023, एमजी हेक्टर 2023 एंड एक्सयूवी 700 के बीच में। हमारा एक कंपैरिजन इन डिटेल होने वाला है एंड मैं आपको बताऊंगा इस बैटल की कौन सी गाड़ी विनर है। उससे पहले मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं उसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरे चैनल पे कार रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बड़ी रहती है। डैट विल हेल्प यू टू बाय राइड का अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। यहाँ पे करते हैं अपनी वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले इन सारी गाड़ियों के डायमेंशंस को कंपेयर कर लेते हैं। सो अगर लेंथ की बात करें, आपको सबसे ज़्यादा लेंथ एम जी हेक्टर प्लस में देखने को मिलेगी, यानी 4720 mm की, एंड ऑन द अदर साइड नॉर्मल एम जी हेक्टर में आपको 4655 mm की लेंथ देखने को मिल जाती है। बाकी विड्थ की बात करें, विड्थ आपको सबसे ज़्यादा हैरियर एंड सफारी में देखने को मिलेगी 1894 mm की। एंड ऐसे ही आप इन चारों गाड़ियों के डायमेंशंस कंपेयर कर सकते हैं। सो अब कंपेयर कर लेते हैं इन चारों गाड़ियों के एक्सटीरियर लुक्स को। सो फ्रंट लुक की बात करें, आपको इन चारों गाड़ियों में फुल LED हेडलैम्प्स प्रोवाइड किए जाएंगे विद ARLs, एंड आपको इन चारों गाड़ियों के ग्रिल में कैमरा देखने को मिल जाएगा। साइड लुक की बात करें, साइड में आपको इन सारी गाड़ियों में ब्लैक में अंडरबॉडीज कटिंग देखने को मिलेगी टू प्रिवेंट डैमेज ड्यूरिंग ऑफ रोड्स। एंड अगर बात करें ORVM की, वहाँ पे भी कैमरा देखने को मिल जाएगा इन ऑल फोर कार्स। बाकी आपको XUV700 के साइड डोर हैंडल्स काफ़ी एडवांस देखने को मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू दोज कार्स, यानी कि अदर्स कार्स। सो अगर बात करें बैक लुक की, बैक में आपको चारों गाड़ियों में फुल LED टेल लैंप्स प्रोवाइड किए जाएंगे, पर आपको MG Hector प्लस यानी कि 2023 मॉडल में फुल इंटीग्रेटेड प्रोवाइड किए जा रहे हैं। बाकी आपको इन चारों गाड़ियों में डाउन साइड में रिफ्लेक्टर्स देखने को मिल जाएंगे। बैक फीचर्स की बात करें, आपको इन सारी गाड़ियों में रिवर्स कैमरा, पार्किंग सेंसर्स, डिफॉगर, वाइपर एंड एमरजेंसी लाइट पोजिशनिंग इन स्पॉइलर देखने को मिल जाएगी। रूफ की बात करें, आपको इन चारों गाड़ियों में फुल पैनोरामिक सनरूफ प्रोवाइड किया जाएगा विद शार्क फिन एंटीना एंड रूफ रेल्स। सो ये करी हमने इन गाड़ियों के एक्सटीरियर लुक्स में कंपैरिजन, एंड जैसा कि आपने देखा इन सारों गाड़ियों में आपको ऑलमोस्ट सेम फीचर्स देखने को मिलते हैं, पर XUV700 में आपको डोर हैंडल्स काफ़ी एडवांस देखने को मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू दोज कार्स। सो बात करते हैं इन सारी कार्स के इंटीरियर के बारे में। जैसा कि आप सामने देख ही पा रहे हैं, पहला वाला XUV700 का, दूसरा वाला MG Hector 2023 का, एंड तीसरा चौथा टाटा सफारी एंड टाटा हैरियर 2023 का। जैसा कि आपने देखा ही होगा, इन सारी गाड़ियों में आपको फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलेगा। एंड अगर बात करें इंफोटेनमेंट सिस्टम की, वो आपको टाटा सफारी, हैरियर एंड XUV700 में 10.25 इंच की स्क्रीन देखने को मिलेगी, पर आपको MG Hector 2023 में 14 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलेगा। सो यहाँ पे विनर है हमारी MG Hector विद बिगर इंफोटेनमेंट सिस्टम। बाकी आपको इन सारी गाड़ियों में ऑटोमेटिक AC विद रियर AC वेंट्स देखने को मिल जाएंगे। सो अगर कॉमन फीचर्स की बात करें, आपको इन सारी गाड़ियों में वायरलेस चार्जर, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, पावर सीट्स, ऑटो AC विद रियर AC वेंट्स जैसे फीचर्स कॉमन देखने को मिलेंगे। पर अगर हम बात करें XUV700 की, उसमें आपको एक ऑटो डिमिंग IRVM एंड फ्रंट टू वेंटिलेटेड सीट्स जैसा फीचर मिसिंग देखने को मिलेगा। ये फीचर आपको देखने को मिल जाएगा बाकी कार्स में, जैसे कि MG Hector, टाटा सफारी एंड हैरियर में। एंड आपको टाटा सफारी के जेट एडिशन में सेकेंड रो भी वेंटिलेटेड देखने को मिल जाती है, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। सो जैसा कि आपने देखा, आपको बाकी गाड़ियों में बेसिक फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि ऑटो डिमिंग IRVM तो एक बेसिक फीचर है, पर आपको XUV700 में मिसिंग देखने को मिलेगा। एंड वेंटिलेटेड सीट्स भी आज की डेट में ट्रेंडिंग फीचर है, वो भी फीचर आपको XUV700 में मिसिंग देखने को मिलेगा, पर बाकी गाड़ियों में देखने को मिल जाएगा, जैसे कि MG Hector, टाटा सफारी एंड हैरियर 2023 मॉडल। बाकी सीट्स की बात करें, सीट्स आप जानते ही हैं, हैरियर में आपको 5 सीट्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा एज वेल एज इन MG Hector। पर अगर हम बात करें सफारी एंड XUV700 की, उसमें आपको 7 सीट्स का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। एंड MG Hector में भी एक प्लस मॉडल आता है, यानी कि MG Hector प्लस, उस गाड़ी में भी आपको 7 सीट्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। सो बात कर लेते हैं इन सारी गाड़ियों के इंजन ऑप्शंस की। सो अगर हम XUV700 के इंजन ऑप्शन की बात करें, उसमें आपको एक 2.0 लीटर का डीजल इंजन प्रोवाइड किया जाता है, जो प्रोड्यूस करता है अराउंड 182 BHP एट द रेट 450 nm ऑफ टॉर्क। दूसरा आपको 2.0 लीटर का पेट्रोल इंजन प्रोवाइड किया जाता है, जो प्रोड्यूस करता है 200 BHP एट द रेट 380 nm ऑफ टॉर्क। एंड अगर हम टाटा सफारी या हैरियर की बात करें, उसमें आपको एक 2.0 लीटर का डीजल इंजन प्रोवाइड किया जाता है, फिएट का इंजन, जो प्रोड्यूस करता है 170 BHP एट द रेट 350 nm ऑफ टॉर्क।
एंड अब 2023 में टाटा सफारी एंड हैरियर में आपको एक 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन भी अवेलेबल हो जाएगा जो प्रोड्यूस करेगा अराउंड 170 bhp एट द रेट 280 nm ऑफ टॉर्क। एंड अगर हम बात करें MG हेक्टर या MG हेक्टर प्लस की, उसमें आपको एक 2.0 लीटर का सेम टाटा हैरियर सफारी वाला इंजन देखने को मिल जाएगा फिएट का, जो सेम पावर प्रोड्यूस करेगा यानी कि 170 bhp एट द रेट 350 nm ऑफ टॉर्क। एंड एक 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन जो प्रोड्यूस करेगा 141 bhp एट द रेट 250 nm ऑफ टॉर्क। सो इन टर्म्स ऑफ इंजन ऑप्शंस, जैसा कि आपने देखा यहाँ पे क्लियरली विनर है हमारी महिंद्रा XUV700, इसमें आपको ज़्यादा पावर देखने को मिलती है डीजल में भी एंड पेट्रोल में भी। एंड सबसे कमज़ोर पेट्रोल इंजन है हमारी MG हेक्टर का, इसमें आपको सिर्फ 141 bhp की पावर देखने को मिल रही है। एंड महिंद्रा XUV700 में आपको एक और बहुत बेहतरीन फीचर देखने को मिलता है, वो है ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम। ये फीचर ना तो आपको MG हेक्टर में देखने को मिलेगा, ना आपको टाटा सफारी या फिर टाटा हैरियर। आपको ये सारी गाड़ियाँ वैसे तो फ्रंट व्हील ड्राइव इंजन ऑप्शन के साथ देखने को मिल जाती हैं, पर फ्रंट व्हील ड्राइव इंजन ऑप्शंस की काफ़ी बेकार ऑफ रोड कैपेबिलिटीज़ होती हैं। अगर आप इसका लाइव सबूत देखना चाहते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे वीडियो देख ही पा रहे होंगे, ये XUV500 है, ये एक स्टीप ऑफ रोड इंक्लाइन नहीं चढ़ पा रही थी क्योंकि ये एक फ्रंट व्हील ड्राइव कार थी। इसकी जगह छोटी गाड़ियाँ चढ़ पा रही थी यानी कि मारुति एको, क्योंकि वो गाड़ियाँ रेल व्हील ड्राइव है। एंड यहाँ पे ऑल व्हील ड्राइव काफ़ी काम आने वाला है XUV700 का। सो अगर इन गाड़ियों के सेफ्टी फीचर्स की बात करें, आपको इन सारी गाड़ियों में 6 एयरबैग्स, ABS, EBD, हिल असिस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे फीचर्स कॉमन देखने को मिलेंगे। एंड आपको 2023 में सारी गाड़ियों में ADAS देखने को मिल जाएगा। XUV700 इन सारी गाड़ियों में से पहली गाड़ी थी जिसमें आपको ADAS के फंक्शंस देखने को मिलते थे, पर अब 2023 में आपको ADAS हर एक गाड़ी में अवेलेबल है। एंड ओवरऑल आपको सारी गाड़ियों में बेहतरीन बिल्ड क्वालिटी देखने को मिल जाती है, चाहे वो XUV700 हो, MG हेक्टर या फिर टाटा सफारी या हैरियर। सो अगर बात करें इन सारी गाड़ियों के प्राइस के बारे में, सो अभी जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, अभी इनमें से 2-3 गाड़ियों के प्राइस रिलीज़ नहीं हुए, सो प्राइस के बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगा, पर आपको XUV700 सबसे महंगी देखने को मिल जाएगी एंड MG हेक्टर सबसे सस्ती। सो ये था मेरा कंपैरिजन बिटवीन ऑल दीज कार्स। आपको कौन सी गाड़ी पसंद आई कमेंट में मुझे ज़रूर बता देना। हर एक गाड़ी अपनी जगह काफ़ी बढ़िया परफॉर्म करती है। MG हेक्टर में आपको थोड़ी एडवांस लुक्स देखने को मिल जाती है। ऑन द अदर साइड टाटा सफारी एंड हैरियर की बात करूँ या फिर XUV700 की, उन गाड़ियों में भी आपको बेहतरीन लुक्स देखने को मिल जाती है। ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि उसको कौन सी गाड़ी पसंद आती है। इंटीरियर की बात करें, इंटीरियर में आपको हर एक गाड़ी में बढ़िया सा प्रीमियम इंटीरियर देखने को मिलता है, पर आपको XUV700 में वेंटिलेटेड सीट्स एंड ऑटो डिमिंग IRVM जैसे फीचर्स मिसिंग देखने को मिलती हैं। ये फीचर आपको बाकी गाड़ियों में देखने को मिल जाते हैं। एंड अगर हम बात करें इंजन ऑप्शंस की, यहाँ पे क्लियरली विनर है हमारी महिंद्रा XUV700। एंड सेफ्टी में यहाँ पे आपको हर एक गाड़ी में सेम सेफ्टी फीचर्स देखने को मिल रहे हैं इंक्लूडिंग ADAS। सो इस वीडियो में मैं किसी भी गाड़ी को विनर कंसीडर नहीं करूँगा क्योंकि डिफरेंट कार्स का डिफरेंट प्राइस है एंड कंपैरिजन मोस्टली 2 गाड़ियों में होता है। ये तो मैंने आपको 4 में करके बता दिया ताकि आप चारों गाड़ियों में एक चॉइस बना पाओ। सो मेरे को कमेंट में ज़रूर बता देना कि आपको कौन सी गाड़ी पसंद आई सबसे ज़्यादा। सो यहाँ पे करते हैं वीडियो को एंड। टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।